नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। सीरीज का चौथा मुकाबला राजकोट के मैदान पर खेला जाएगा और ऐसे में अब सवाल बड़ा ये है कि क्या भारतीय टीम राजकोट के मैदान पर रन बरसाने में कामयाब रहेगी और क्या दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को राजकोट में रन कोट पहनना पड़ेगा, यानी कि उनकी गेंदबाजों के खिलाफ जो रनों की बारिश भारतीय बल्लेबाज करेंगे, क्या उसका कोई जवाब दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज ढूंढ पाएंगे? क्या दीपक हुड्डा को टीम में मौका मिलेगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर को T20 टीम के लिए चुना नहीं गया है आयरलैंड में जो सीरीज होनी है, और ऐसे में क्या अब सैयद को रेस्ट दिया जाएगा? क्या उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह सीरीज का चौथा मुकाबला खेल पाएंगे और क्या ऋषभ पंत इस मैच में रन बनाकर तमाम अपने आलोचकों को कड़ा और करारा जवाब दे पाएंगे? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम इस समय मौजूद है। सबा भाई, आज बड़ा मुकाबला हम कह सकते हैं और आज बड़े मुकाबले में सबकी निगाहें खासतौर से ऋषभ पंत पे लगी होंगी कि उनका बल्ला किस तरह से चलता है, क्योंकि अभी तक राज ने भी रन बना दिया, ईशान किशन ने भी रन बनाया, श्रेयस अय्यर ने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया और हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में मैच विनिंग पारी खेली, लेकिन अब चूंकि मुकाबला डू एंड डाई का है, इस सीरीज में बने रहने के लिए आपको जीतना है, ऋषभ पंत का फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं? हम एक कप्तान के रूप में, एक सीनियर प्लेयर के रूप में बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऋषभ पंत अच्छे फॉर्म में नजर आए, क्योंकि वो मध्य क्रम में आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। वहाँ पर अगर टीम को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जल्दी रन बनाने की, स्टेबिलिटी की, और वही प्रदान कर सकते हैं ऋषभ पंत। मुझे अभी भी विश्वास है कि उनके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं ये प्रदान करने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक देखने को मिला नहीं है। पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत और शॉर्ट सिलेक्शन के ऊपर ध्यान देंगे और जो गलतियाँ उन्होंने पिछले मैचेस में की हैं अगर उसको नहीं दोहराएंगे और मानसिक रूप से अच्छी तैयारी करके आएंगे कि मुझे कौन से शॉट लगाने हैं, कौन से शॉट मुझे अवॉइड करना है, तब मुझे लगता है कि सफलता जल्दी हमें देखने को मिलेगी ऋषभ पंत की बल्लेबाजी में भी। और सभा भाई, उस ट्रैप से भी बचना पड़ेगा जो ट्रैप दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज उनके खिलाफ अप्लाई कर रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर, वो वाइड बॉल का जहां निशान होता है वहां पे लगातार बॉल को पिच करना, आपकी बॉडी से गेंद को दूर रखना, इस ट्रैप से बचने का क्या कुछ निचोड़ निकाल कर लाएंगे ऋषभ पंत, क्योंकि अभी तक 3 मैचों में सिर्फ 40 रन है उनके नाम पे। देखिए, 3 प्रकार की स्ट्रैटेजी मुझे देखने को मिल रही है दक्षिण अफ्रीका के, विशेष करके पेस बॉलर्स में। एक है कि नई गेंद के साथ हार्ड लेंथ पे बॉल डालना, दूसरी है जो हर एक T20 मैच में देखने को मिलता है यॉर्कर डिलीवरी डालना, और एक जो नयापन देखने को मिल रहा है इस बार स्ट्रैटेजी में वही है कि ऑस्टन के बहुत ज्यादा बाहर बॉल को रखना और प्रयास यही करना कि जो स्कोरिंग आर्क है भारतीय बल्लेबाजों का उससे दूर रखा जाए। यही कोशिश उन्होंने ऋषभ पंत के साथ भी की, उसमें उनको सफलता मिली है। ये कोशिश उन्होंने ईशान किशन के साथ भी करना शुरू किया था, वहां पर अंत में उनको सफलता मिली। नहीं तो नॉर्मली ऋतुराज और ईशान किशन के लिए वो शॉर्ट डिलीवरी डालते हैं या फिर कुछ हद तक बाउंसर डालने का कोशिश करते हैं, तो इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा ऋषभ पंत को। और उनके लिए चूंकि मध्य क्रम में आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, मिडल ओवर्स में आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, उनके पास उनके सामने स्ट्रैटेजी वही है कि जितना उनके शरीर से दूर को बॉल रखे उसी में फायदा मिलेगा दक्षिण अफ्रीका के बॉलर्स को, और उनके लिए जो फील्ड प्लेसमेंट भी की गई उसी हिसाब से रखी गई है, जहां पर विकेट स्लो रहता है तो वो जो स्वीपर कवर है वो एक्चुअली स्वीपर एक्स्ट्रा कवर में रहता है राजीव, जिस तरह से उन्होंने कैच पिछले मैच में दिया था, तो वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है ऋषभ पंत के लिए। वहां पर मुझे लगता है थोड़ा बहुत उनको रिस्ट्रेन करना पड़ेगा अपने स्कोरिंग इंस्टिंक्ट्स को, थोड़ा बहुत और उनको रुक कर खेलना होगा और मजबूर करना होगा दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को कि वो उनके शरीर पे बॉल डालें और उसके बाद वो प्रहार कर सकते हैं। सभा भाई, क्योंकि अभी सौराष्ट्र लीग जो हो रही थी, आप राजकोट में थे, आपने राजकोट की पिच और वहां के मैदान को बहुत अच्छी तरह से देखा है, हमारे तमाम व्यूअर्स और जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं क्या किस तरह की पिच है वहां पे, कैसी कंडीशंस होंगी, ड्यू फैक्टर क्या होगा राजकोट में, और क्या कुछ पिच और कंडीशन को देखते हुए आप सजेस्ट करेंगे भारतीय टीम को प्लेइंग 11 के लिए? देखिए, सौराष्ट्र प्रीमियर लीग जो हो रहा था, एक तो राजकोट में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और विकेट सारे के सारे विकेट जो हैं वो ड्राई हैं, पर उसके बावजूद वहाँ के जो क्यूरेटर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है विकेट को एकजुट करके रखने की, ताकि वो विकेट क्रम्बल ना करे, उसके लिए थोड़ा बहुत पानी भी देना पड़ रहा है, रोलिंग भी हो रही है, तो विकेट तो सख्त है, तो चूंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है राजीव, विकेट थोड़ा बहुत धीमा है और उस पर शॉट लगाना उतना आसान होता नहीं है। जब मैं पिच रिपोर्ट कर रहा था सौराष्ट्र प्रीमियर लीग में, तो मुझे लग रहा था यहाँ पर पहले बल्लेबाजी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस प्रकार जो जो स्ट्रेंथ रहती है लोकल टीम्स की वो अलग होती है, वहां पर चेस करना उनके लिए कठिन हो जाता है,
पर विकेट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सेकेंड हाफ में बल्लेबाजी करना ज्यादा उचित होगा, तो थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि विकेट में गति बढ़ जाती है सेकेंड हाफ में। और अंडर लाइट, हालांकि कोई भी मॉइस्चर नहीं है, कोई भी ओस का नामो निशान नहीं है, तो सेकेंड हाफ में बैटिंग करने में भी उतनी ज्यादा बैटिंग करना ज्यादा आसान होगा बनिस्बत गेंदबाजी करना। तो मेरे हिसाब से उचित यही होगा कि जो टीम टॉस जीते वो पहले फील्डिंग कर ले, पहले हाँ फील्डिंग कर ले और सेकेंड हाफ में वो चेस कर सकती है। आपने पिच क्योंकि देखा है बहुत नजदीक से, अभी कुछ दिन पहले ही आप राजकोट में थे, स्पिनर्स के लिए थोड़ी बहुत मदद आपने देखी वहां पे, क्या चहल और अक्षर पटेल या रवि बिश्नोई अगर खिलाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है, तो क्या इनके लिए कुछ होगा पिच में? मुझे लगता है विकेट चूंकि धीमा होगा तो स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, उतना आसान नहीं है बल्लेबाजों को थ्रू द लाइन या फिर थ्रू द स्पिन हिट करना, और इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर ज्यादा वेरिएशन के साथ, ज्यादा चतुराई के साथ अगर स्पिनर्स बॉलिंग करेंगे तो उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि विकेट कुछ इस तरह का है, विकेट्स में कई सारे क्रैक्स हैं पर कोई भी क्रैक उतना ज्यादा बड़ा नहीं है ताकि बॉल बहुत ज्यादा घूमे आपको ऑफ द विकेट, पर अगर आप ज्यादा लूप के साथ अच्छे ज्यादा स्पिन के साथ बॉल को रिलीज करेंगे तो मुझे लगता है वो ड्रिफ्ट भी मिलेगा और थोड़ा बहुत धीमापन है विकेट में तो उसका फायदा मिलेगा स्पिनर्स को। हमने पहले तीनों मैच में एक पैटर्न देखा कि आप हारे या जीते, उन खिलाड़ियों को ऐसा लग रहा है कह दिया गया था कि आप हारे जीते आप चाहे जैसा परफॉर्मेंस करें आपको तीन मैच दिए जाएंगे, क्या आप दोनों मैच जो बच रहे हैं यानी कि जो चौथा T20 और फिर पांचवा T20 जो रविवार को खेला जाएगा, क्या आपको लग रहा है यहाँ पे अब जो बचे हुए बाकी बेंच स्ट्रेंथ के खिलाड़ी हैं उनको मौका दिया जाएगा जितना आप राहुल द्रविड़ को समझ रहे हैं? मुझे लगता है कि एक एक या दो परिवर्तन हो सकता है देखने को मिले, और इस मैच में मेरे ख्याल में चूंकि श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है जो आयरलैंड के विरुद्ध श्रृंखला होने वाली है उसमें, तो फिर ये लॉजिक बनता है कि आप दीपक हुडा को खिलाएं नंबर तीन पर और उनको भी आप ट्राई आउट करें, क्योंकि आने वाले समय में वो टीम का हिस्सा रहेंगे, तो वो एक मैं परिवर्तन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि इस मैच में राहुल द्रविड़ और कुछ ज्यादा परिवर्तन करना चाहेंगे, क्योंकि गेंदबाजों ने एकजुट होकर शानदार गेंदबाजी की है और दक्षिण अफ्रीका को हम लोगों ने हराया है, क्योंकि एक तो हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप रही है और दूसरी हमारी गेंदबाजी काफी अच्छी रही है, उसमें भुवनेश्वर कुमार मुझे लगता है कि अटैक को लीड कर रहे हैं मिडल ओवर्स में, और अंतिम के ओवर्स में हर्षल पटेल की शानदार गेंदबाजी हो रही है और मिडल ओवर्स में हमारे दोनों स्पिनर्स ने विकेट लिया है, तो यहाँ पर बॉलिंग जो यूनिट है उसमें परिवर्तन करने की जरूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि ये मैच जीतना बहुत जरूरी रहेगा भारत के लिए, तभी आप इस सीरीज में बने रह सकते हैं। तो भाई क्या कोई चांस आप उमरान मलिक और अर्शदीप जैसे युवा गेंदबाजों के लिए देख रहे हैं कि उनको यहाँ पे एक ताकतवर टीम के खिलाफ खिलाया जाए, क्योंकि आयरलैंड में आप खिलाते हैं 5-5 विकेट तो वो निकाल भी देते हैं तो कोई मायने नहीं रखता जब तक आप स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के खिलाफ ना खेले, क्या कोई चांस आप देख रहे हैं चौथे और पांचवें मुकाबले में जिस तरह का पैटर्न आपने देखा अभी तक इस सीरीज में राहुल द्रविड़ का काम करने का? देखिए ये हम लोगों के लिए कहना बड़ा आसान है, मैं तो यही चाहता हूँ कि जो जो आपके पेस बॉलर जो टीम में है या बैटर जो टीम में जिनको मौका नहीं मिला, उनको तो लग रहा है कि रेस्ट दिया जाएगा क्योंकि तीनों मैच में बहुत ही औसत गेंदबाजी की है उन्होंने। नहीं उन्होंने मुझे लगा कि पिछले मैच में या फिर ज्यादा रन उन्होंने दिए नहीं है राजीव, जिस मैच में दोनों पेस बॉलर्स की पिटाई हुई थी भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पटेल की, जहां पर 40 से ज्यादा रन दिए थे उन दोनों ने, वहां पर आवेश खान ने 30 से 35 रन दिए। ये देखिए जैसे कि मैं कह रहा था कि यहाँ पर कहना ये बड़ा आसान होगा, मैं तो चाहता हूँ कि सभी को मौका मिले, पर अंत में जब आप भारतीय टीम के कोच रहते हैं कप्तान रहते हैं दबाव इतना ज्यादा रहता है सीरीज को जीतने का कि आप कुछ नयापन नया करना चाहते नहीं है, आपकी कोशिश यही रहती है कि भाई ऐसी टीम में चुनूं जिससे मुझे सबसे ज्यादा चांसेस हो मैच जीतने के लिए, अन्य से कोई फोर्स चेंज ना करना पड़े इंजरी की वजह से या फिर कोई और कारण की वजह से, और जिस तरह की राहुल द्रविड़ की मेंटालिटी रहती है उनका हमेशा से ये प्रयास है कि टीम के अंदर वो सिक्योरिटी होनी चाहिए, अगर आप किसी खिलाड़ी को रेस्ट भी कर रहे हैं तो वो बात करने के बाद ही आप रेस्ट करें कि किन कारणों से हम आपको बिठा रहे हैं, ये मतलब नहीं है कि आपका फॉर्म खराब है या हम आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, पर वो हम परिवर्तन इस वजह से कर रहे हैं कि हम नए खिलाड़ी को ट्राई आउट करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इस समय चूंकि दबाव इतना ज्यादा रहता है श्रृंखला जीतने का तो हो सकता है कि वो चेंज भी देखने को ना मिले। तो भाई अब क्योंकि राजकोट में मुकाबला है, दक्षिण अफ्रीका की टीम अभी आपने देखी है पहले तीन मैचों में किस तरह का कॉम्बिनेशन उन्होंने खिलाया, आपको लग रहा है कोई चेंज वो कर सकते हैं, लेफ्ट आर्म सीमर मार्क एंसन को ला सकते हैं, आपको लग रहा है वो सेटिस्फाइंग हो गए जिस तरह की गेंदबाजी पार्नेल ने की है प्रिटोरियस ने की है, सपोर्ट गेंदबाज की भूमिका बेहतर तरीके से निभाई है इसलिए अफ्रीका बहुत ज्यादा वरीड नहीं होगा मैच हारने के बाद भी? नहीं उनकी बॉलिंग अटैक
तो काफी मुझे स्ट्रांग नजर आ रही है। एक चेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कि केशव महाराज की जगह पर कोई और पेस बॉलर खेला जाए, पर वो भी निर्भर करेगा विकेट के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा कि अगर ऐसा है कि विकेट में वही धीमापन नजर आ रहा है सरफेस से, तो हो सकता है फिर वो यही बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरे। देखिए उनकी टीम भी कमजोर हो गई है, क्विंटन डिकॉक इस समय अवेलेबल नहीं है, एडियन मैक्रम भी चोटिल हैं, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बल्लेबाज हैं उनके टीम में जो इस समय नहीं खेल पा रहे हैं, तो उससे उनकी बल्लेबाजी अब थोड़ी बहुत कमजोर नजर आ रही है। तो वो एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी भारत के लिए उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। भाई तीनों मैच में भारत ने भारत टॉस हारा, फिर उनको पहले बैटिंग करनी पड़ी। क्या आप चौथे मुकाबले में ये चाहते हैं कि भारत टॉस जीते और रन चेज करता हुआ नजर आए, ताकि ये भी एक क्वालिटी हम देख पाए अपने यंगस्टर्स की कि अगर दक्षिण अफ्रीका बड़ा स्कोर बनाता है तो आप रन चेज में क्या अप्रोच होता है? पहले बैटिंग करने में अप्रोच हम सबको पता है, पहले जाके ऑल आउट मारने जाते हैं, रन चेज जब करना है डिफरेंट क्वालिटी नजर आनी चाहिए। क्या आप ये देखना चाहते हैं राजकोट के मैदान पर? ये विडम्बना ये है राजीव के, रन चेस करते हुए हम लोगों ने बहुत सारे मैचेस जीते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। हमारी समस्या रहती है जब हमें बैटिंग पहले करनी होती है, इस वजह से पिछले मैच हम लोग जीते हैं वो बहुत बड़ी बात है। उसके पहले भी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो रहा था, मुझे लगता है इंग्लैंड के विरुद्ध या फिर उसके बाद एक और टीम जो आई हुई थी वहां पर भी हम लोगों ने पहले बल्लेबाजी करने के बाद वो श्रृंखला जीती थी, तो इससे आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर हाँ, मैं मानता हूँ चूंकि नई टीम है उनको उस तरह से भी ट्राई आउट करना चाहिए। अगर हमें 180, 190, 200 चेस करना पड़े तो क्या मेरे अंदर उस तरह की एबिलिटीज है कि नहीं, हमारी हमारी स्ट्रेटजी फिर क्या होगी, किस तरह के ब्लॉक्स को हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, हमारे फिनिशर्स कौन होंगे, कौन कौन ऐसे प्लेयर्स हैं जो बड़े शॉट्स लगा सकते हैं टॉप क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने। तो भाई चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्या भारतीय टीम को सीरीज जीते, आप यहाँ पे सीरीज में बराबर पे आते देख रहे हैं, और राजकोट क्या हाई स्कोरिंग वेन्यू के तौर पे आमतौर पे जाना जाता है? मैंने रणजी ट्रॉफी के मैचेस सुने हैं, बहुत ढेर सारी ट्रिपल सेंचुरीज बनी है इस मैदान पे, क्या एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर देखने को मिलेगा? आपको लग रहा है जैसा पहले मतलब कोची और वाइजैक में हमने देखा कुछ वैसी विकेट और वैसी छोटे स्कोर समय देखने को मिलेंगे? नहीं, मुझे लगता है जिस तरह का राजकोट का स्ट्रिप है, जहां तक मुझे अनुभव है, इस बार मैं गया था वहां पर, एक दो टीमों ने तो 180 190 बनाए हैं। अच्छा। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये दोनों स्ट्रांग टीम है, कुछ उसी प्रकार का स्कोर देखने को मिलेगा। अंत में निर्भर ये करेगा कि कौन सी टीम जल्दी एडजस्ट करती है विकेट के पेस के साथ, वही टीम मुझे लगता है कि ये मुकाबला जीतेगी। पर ग्राउंड के डायमेंशन बहुत ज्यादा बड़े हैं वहां पर। आप भी मैच देख चुके हैं, मैं भी मैच देख चुका हूँ, और बहुत ही शानदार वातावरण होने वाला है। सौराष्ट्र प्रीमियर लीग के फाइनल मैच पर करीब 15,000 लोग आ गए थे, वहाँ की कैपेसिटी करीब 29,000 की है, और सभी के टिकट्स जो हैं वो बिक चुके हैं। इसका मतलब है कि बड़ा ही शानदार वहाँ पर वातावरण होगा, और लोग जो हैं राजकोट के बहुत सालों साल से इंतजार कर रहे हैं। ये पैंडेमिक की वजह से मैच हो नहीं पाया था, तो इंतजार है सभी को कि मैच वहाँ हो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो, और ढेर सारी जनता पूरे सपोर्ट के साथ भारतीय टीम के साथ वहाँ मौजूद होंगी राजीव। और सब भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब मैं राजकोट पहली बार गया तो जो वहां का प्रेस बॉक्स देख के मुझे लॉर्ड्स की याद आ गई, बिल्कुल कार्बन कॉपी लॉर्ड्स की बनाई हुई है। तो ये भी एक अपना अलग मजा है कि आप खेल भले ही राजकोट में रहे हो, लेकिन आप लॉर्ड्स की फीलिंग पूरी राजकोट के मैदान पर ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूं, ये व्यूअर्स के लिए है कि ये मुझे लगता है कि भारत का सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली स्टेडियम है ये। यहाँ पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है ये। तो और जो आपने लॉर्ड्स के बॉक्स की बात की, मीडिया बॉक्स की बात की, वहीं पर कमेंटेटर्स बॉक्स भी बना हुआ है, तो बहुत ही शानदार है स्टेडियम है ये, बहुत ही सुंदर स्टेडियम है। और रात में जब लाइट जो जब जगमगा जाती है तो फिर दृश्य कुछ अद्भुत ही सा हो जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई तमाम बातचीत के लिए और राजकोट के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि भारतीय टीम को जो विजय रथ पे जो सवार हुई थी विशाखापट्टनम के मैदान पे, वो विजय रथ लेके वो राजकोट पहुंचेंगे, और राजकोट का मैदान जीतने के बाद बारी बेंगलुरु की होगी, जहाँ पे सीरीज किसके हाथ में जाएगी ये पता चलेगा, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि राजकोट के मैदान पर भारतीय टीम फतेह हासिल करे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।